निरसन पत्र का विभाग भार जिला से बाहर किस नाम निरसन पत्रों को भारत निर्वाचन अधिकारी को पहले इलेक्शन दूसरे पे हाउस टैक्स, बस दो चीजें वो कह रहे हैं। पहले हाउस टैक्स, मैं एजेंडे से क्यों हटूं भाई? इतनी सी बात, वो लोग कह रहे हैं कि हाउस टैक्स जब एक एजेंडा तय हो गया तो उसी के तहत होगा, फिर फैसला मेरा है। पिछली दफा होने नहीं दिया, दो बार कैंसिल हो गया इलेक्शन, छोड़िए। आप सब जानते हो, सब क्यों हुआ
हंगामा क्यों हुआ? एजेंडे पे काम करना चाहते थे। माननीय महापौर जी जो एजेंडा भेजा था पहले से दस दिन पहले एजेंडा चला गया। एजेंडे के अनुरूप सबसे पहले कार्यकारिणी का चुनाव होता था होना था, उसके बाद हाउस टैक्स पे बात होनी थी। ये लोग चाहते नहीं थे कि जो अलीगढ़ में माननीय महापौर जो फुरकान साहब हैं, इनके कार्यकाल में जब से ये आए हैं विकास की जो गंगा बहाई जा रही है, स्वच्छ किया जा रहा है और सुंदर किया जा रहा है, और तमाम आप देखें नाली खरंजे सड़कें माननीय महापौर जी के कार्यकाल में बनाई जा रही हैं, उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि एक बसपा का मेयर, एक अल्पसंख्यक समुदाय का जो मेयर है वो इतना कार्य कर रहा है, तो उसकी इतनी प्रशंसा हो जाएगी। इसीलिए नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इनको रोका जाए और इनके कार्यों को बाधा पहुंचाई जाए। जो जनता के हित के मुद्दे हैं उनके उनमें काम करने नहीं देना चाहते। अरे क्या भाई, आपने देखा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की अपमान किया गया, मेरे साथ हाथापाई की गई, मुझे धक्के दिए गए, मुझे मारा गया, और इससे ज्यादा अपमान क्या होगा सदन का? सदन में उनका चित्र को फाड़ा गया, मेरे पेट पे उनका चित्र छपा हुआ है, वो चित्र फाड़ के पैरों तले रौंद दिया गया। हाउस टैक्स की जो मांग थी वो कितनी वाजिब थी? हाउस टैक्स की मांग भाई, हम उस पर तो चर्चा तो होनी चाहिए। जब तक चर्चा नहीं होगी तो मांग वाजिब और वाजिब है या नहीं है उससे तो बाद में पता चलेगा। जो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जिस चीज वो इतना कार्य करते हैं बेचारे, उनकी उनका वेतन बढ़ना चाहिए, हम ये चाहते हैं। लेकिन आज जो कि मीटिंग होनी थी माननीय महापौर जी द्वारा, नगर निगम द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें जो कार्यकारिणी का चुनाव था एक मुद्दा, दूसरा मुद्दा जो जनता को अलीगढ़ नगर निगम द्वारा छूट मिलती रहती थी निरंतर, उस छूट को महापौर की तानाशाही की बदौलत खत्म किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद विरोध कर रहे हैं। जनता को मिलने वाली छूट हाउस टैक्स पर वो निरंतर मिलती रहनी चाहिए। महापौर ने आज हम सब लोग जो बोर्ड अधिवेशन बुलाया गया था, विशेष बोर्ड अधिवेशन भाजपा पार्षदों की मांग पर बुलाया गया था, और हमारा यही आज निर्णय था कि समस्त पार्षद मिलकर इस निर्णय को बोर्ड पास करेगा, सहमति करके और शासन को भेज देगा। और लेकिन महापौर ने अपनी तानाशाही दिखाई और पार्षदों की बात को ना सुनकर बोर्ड बैठक को स्थगित कर दिया गया और हाउस टैक्स के विषय को आने ही नहीं दिया। महापौर अंत तक अड़े रहे कि हाउस टैक्स का विषय और ये जनहित का विषय, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले कार्यकारिणी चुनाव कराइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने क्लियर कहा, कार्यकारिणी का चुनाव अन्य चुनाव होते रहेंगे, हम लोग जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, हमारे लिए पहले जनता का विषय है, जनहित का विषय है, जनता को मिलने वाली छूट निरंतर मिलती रहनी चाहिए। और आज हम खाने का भी यहां से बहिष्कार कर रहे हैं, हम इस बोर्ड की मीटिंग में कोई खाना वाना नहीं खाएंगे, पहले जनता का हाउस टैक्स पे मिलने वाली छूट मिलती रहे। खत्म कर रहा है नगर निगम, महापौर के नेतृत्व में, महापौर के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन इस छूट को खत्म कर रहा है। ये माननीय महापौर और नगर आयुक्त की मिली भगत है, नगर निगम प्रशासन जो कि जनता को मिलने वाला जो लाभ छूट निरंतर सदियों से मिलता आ रहा है, उस छूट को आज खत्म कर रहा है।